हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम करेंगे हमारी मोक सीरीज़ का पार्ट फोर जिसमें आपका इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस का मैंने फिफ्थ पार्ट जो फिफ्थ चैप्टर है उसको इंक्लूड किया है इसके अलावा जो भी चैप्टर्स हैं उन सभी के मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ सो आप वहाँ से प्रिपेयर करें मैंने मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं इसके बाद और आपका जो मोक टेस्ट था अभी ट्वेंटी ट्वेंटी का नवंबर फर्स्ट से जो स्टार्ट हो रखा है उसके जो आपके वेंकटेश केटकर जी की जो लाइफ हिस्ट्री थी और मेजरमेंट ऑफ़ टाइम के जो क्वेश्चंस थे उसको भी मैंने इंक्लूड किया है उनके आंसर्स मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं इस वीडियो में सो so अगर आप चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है द like सब्जेक्ट लाइक सरापालाज वृक्ष आयुर्वेदा एंड उपावाना विनोदा बिलोंग टू तो जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वृक्षावेदा सरापाला वृक्षावेदा और उपाना विनोदा ये किससे बिलोंग करते हैं सो दे बिलोंग टू शन गाधरा ठीक है शन गाधरा से ये बिलोंग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अप्लाइड द ढोसा थ्योरी टू प्लांट्स टू प्रोवाइड अ नंबर ऑफ रेसिपीज फॉर प्लांट प्रोटेक्शन एंड ट्रीटमेंट डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर डोसा इम्बेलेंस अफेक्टिंग द प्लांट सो किसने जो डोसा थ्योरी थी जो हमारी डोसा थ्योरी है वो किसने अप्लाई की थी सो दैट वॉज अप्लाइड बाई सुरापाला. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ समीता ऑफ वारा मीराज कम्पोज इन दिक्कथ सेंचुरी सीई हैज एन एंटायर चैप्टर डिवोटेड टू वृक्षार्वेदा तो जो हमारा आयुर्वेदा का जो ब्रह्म मीरा की कौन सी संहिता थी या कौन सी ऐसी टेक्स्ट बुक थी जिसके अंदर एक पूरा चैप्टर वृक्ष आयुर्वेदा के ऊपर था सो दैट वाज भरत संहिता नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ आई सी इसकी फुल फॉर्म है द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च तो आप इसके अंदर देख सकते हैं मैंने बिल्कुल माइन्यूट माइन्यूट डिफरेंस करके आपके लिए ये पॉइंट बनाए हैं तो आपके ये जो फुल फॉर्म है ये ऐसे भी आ सकती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जिसको आई भी बोलते हैं हम हैज़ डॉक्यूमेंटेड हाउ मैनी इंडिजिनस प्रैक्टाइस इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल प्लांट साइंसेस सो जो हमारी आई है उन्होंने कितने प्लांट्स की प्रैक्टाइसिस uh, के बारे में बताया है सो दैट आर फोर थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेंटी नाइन स्पीसीस नेक्स्ट इज हाया आयुर्वेदा वाज कम्पोज बाय होत्रा. दो जो हमारी हया आयुर्वेदा मतलब हॉर्सेज के बारे में हया एच ए वाई ए जो हया हा, आयुर्वेदा है हमारा उसको कंपोज किया था साली होत्रा ने नेक्स्ट क्वेश्चन है गजा आयुर्वेदा गजा मीन्स जो हमारा गजा वर्ड है दैट वॉज यूज फॉर एलिफेंट्स वॉज कम्पोज बाय पाल्काप्या नेक्स्ट क्वेश्चन है मृगा पक्षी शास्त्रा मृगा पक्षी मतलब एनिमल्स और बर्ड्स की जो बुक थी वॉज कम्पोज बाय हमसा देवा तो ये आपके कुछ कंपोजर्स थे जो आ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है

तो जो हमारी फर्स्ट इंडियन टेक्स्ट थी जो सिर्फ मैथमेटिक्स के बारे में आ, बात करती थी तो वो थी हमारी शुल्भा शुस्तरा सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आपके जो आपका मॉक टेस्ट अभी हुआ है उसके क्वेश्चन हैं सो जो हमारे वेंकटेश बापू जी केटकर थे वाज ए पॉलीग्लॉट पॉलीग्लॉट मतलब एक ऐसा पर्सन जिसे जो बहुत सारी लैंग्वेज एक या एक से ज़्यादा लैंग्वेज जो है लिख और पढ़ सकता है मोर देन टू लैंग्वेजेस वो लिख और पढ़ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वर मास्टर्ड बाई हिम सो इनमें से फ्रेंच एंड संस्कृत जो है दैट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन क्योंकि उन्हें फ्रेंच और संस्कृत में भी मास्टर master, मास्टर्ड थे वो संस्कृत और फ्रेंच में भी नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड्स दिनादर्शिका एंड पंचांगा यूज इन इंडियन टाइम कीपिंग सिस्टम रेफर्स टू तो जो तो देखो जो दिनादर्शिका है जो दिनादर्शिका वर्ड है वो हमारा कैलेंडर के लिए यूज़ होता है और जो पचांग पंचांगा है वो पंचांगा ही पंचांगा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन uh, या फिर एक तरह से कम्बिनेशन ऑफ फाइव फिल्म्स जिसके अंदर आपके तिथि वार युग ये सब आते हैं सो पंचांगा मतलब पंचांगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पंचांगा विच इज़ फॉलोड केटा केटाकी मैथड वॉज स्टार्टेड इन नैनीताल एज सो जो ये जो आपका पंचांगा थी जो जिसने केटाकी जो हमारे केटकर जी से उनका मैथड यूज़ किया था तो नैनीताल में उसको कैसे स्टार्ट किया गया था जीवन विजय पंचांगा के नाम से नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेंकटेश बाबूजी केटकर्स केटकर माइग्रेटेड फ्रॉम सो वो माइग्रेट हुए थे केटाकी भीवाली टू तो पैथान दैट इज़ पाइथान ये जो आ, इनका माइग्रेशन हुआ था इनके एनसेस्टर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एंशियन टाइम्स दीज टू किंगडम्स शेयर्ड बॉर्डर सो इनमें से कौन से ऐसे दो किंगडम्स थे जो अपना बॉर्डर शेयर करते थे दैट इज ग्रीको बैक्टेरियन एंड मागधा एम्पायर नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रोनोमर वेंकटेश बाबूजी जी केटकर वॉज़ अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन हु आल्सो यूज्ड टू रिपेयर डैश एज अ हॉबी सो इसका करेक्ट ऑप्शन है वॉचेस। तो वो एज अ हॉबी वॉचेस को भी रिपेयर करते थे नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ टॉपिक फॉर रिसर्च पेपर ऑथर्ड बाय वेंकटेश बाबूजी केटकर तो जो हमारे वी वी केटकर थे उन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर लिखे थे तो देखो इनमें से आपके तीन ठीक हैं जो भगवत गीता है कल्याणी माया है और सूर्य सिद्धांता है ये उनके रिसर्च पेपर थे लेकिन शुलभा शुस्त्रा उनका रिसर्च पेपर नहीं था नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनिवर्सल कंसेप्ट इज द फोकस ऑफ द बुक गोला द्रव्या गोला द्रव्या पर्शन विमर्श तो ये उनकी बुक का नाम था गोला व्या पर्शन विमर्श रिटर्न बाय वी केतकर केटकर सो so, इस बुक में सबसे ज़्यादा मेन फोकस आपका किस चीज़ पे था आपका ग्रेविटी पे था क्योंकि इस बुक से पहले कोई भी बुक या कोई भी ऐसी किसी ने ग्रेविटी के बारे में पता नहीं लगाया था नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनशियट इंडियन टाइम मेजरमेंट द यूनिट घाटिका इज इक्विवेलेंट टू डैश मिनट्स पर मॉडर्न क्रोनोमैट्री सो घाटिका यंत्र हमने पढ़ा था तो जो घाटिका है वो इक्वल इक्विवेलेंट था हमारा ट्वेंटी फोर मिनट्स के नेक्स्ट क्वेश्चन है द तिथि एन इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ इंडियन क्रोनोमैट्री डिपेंड्स एन टायरली अपॉन द लोकेशन ऑफ मून इन द स्काई की जो मून है वो कौन से नक्षत्र पे है सो so ये डिपेंड करता है ये

अकॉर्डिंग टू द वेदंगा ज्योतिषा हाउ मैनी डेज़ वर इंक्लूडेड इन अक युग में कितने डेज हैं अकॉर्डिंग टू वेदांगा ज्योतिषा सो देर आर एटीन हंड्रेड थर्टी वन थाउजेंड एट हंड्रेड थर्टी डेज नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इस्लामिक कैलेंडर अ न्यू डे बिगनस एट तो जो हमारा इस्लामिक कैलेंडर है उसमें आपका जो नया दिन है वो सनसेट के बाद से शुरू होता है ठीक है आपको अगर याद है तो मैंने आपका मेजरमेंट ऑफ टाइम में ये कराया हुआ है सब कुछ और वही आया हुआ है आपका वेयर है जो ग्रीगोरियन कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग मिड नाइट के बाद ही आपका नेक्स्ट डे जो है वो स्टार्ट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन नेशनल कैलेंडर इज़ अलाइंड विद तो जो हमारा इंडियन नेशनल कैलेंडर है वो ग्रीगोरियन कैलेंडर से अलाइंड है नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोलर मंथ दैट ऑब्जर्व्स टू न्यू मून्स इज कॉल्ड एक मंथ में जब आपके दो नए मून आते हैं तो उसको हम कहते हैं अधिक मासा मतलब हमारा एक मंथ जो है वो इंक्रीज हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है द पॉइंट ऑफ ऑनसेट ऑफ दक्षिण आयान इज कॉल्ड तो दक्षिण आयान के पॉइंट को हम विंटर सॉल्स्टाइ सोल्स्टिस भी कहते हैं विंटर सोल्स्टिस भी कहते हैं ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे आप अगर ध्यान से करेंगे तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस आपके जो हैं कराए हुए हैं और आपके आप देख सकते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को और आपके मॉक सीरीज़ को आपके क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैंने बनाए हैं सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स टेक कनेक्टेड स्टे ट्यून एंड आपकी जो एन टी एस सी की रिक्वेस्ट आ रही हैं तो मैं उसके लिए बहुत जल्दी वीडियोज़ डालने वाली हूँ आपका जो फर्स्ट मैट है मेंटल एबिलिटी टेस्ट है उसके लिए सो थैंक यू स्टूडेंट्स